हेलो बंधुरा जे जेखान वीडियो देखें सबा के जाना अनेक अनेक शुभेच्छा और स्वागतम। आज के वीडियोटर मध्यमे अपन ही करा कि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और ढाका टू दुबई फ्लाइट और विजिट वीसा नहीं कि गुरुत्वपूर्ण तथ्य आलोचना करब। तो वीडियो शेष पर्त देख आशा करी अनेक सठिक तथ्य जानते पर। हाँ आपनी जदि चैने नतून हो दया सबसक्राइब कर बेल आइकनटी अन कर नीन और परवर्ती वीडियोर आपडेट पे साथे साथी। तो चलो शुरू करा जा। शाहबुद्दीन आलम भाई प्रश्न कर भाई विजिट वीसार मेयाद शेष हो गए से ही विषय कि आसते पर आपनी मेयाद शेष हो जावा वीसा दिए दुबई प्रवेश करते पर ना आपके नतून कर वीसा नहीं तरपर जीते हैं जदिव वार्क पार्मिट बा रेसिडेंस वीसार मेयाद जैसे शेष हो गए ता प्रवेश करते आरब अमिरत करतृपक्ष घोषणा दे किंतु जर विजिट वीसार मेयाद शेष हो गए तर बेपारे को प्रकार घोषणा एन पर्त आसें तब मन करी आसपेव ना कारण दुबई विजिट वीसा तर एक व्यावसायिक आईडिया नतून कर वीसा नीले तर लाभ अतएव यह विषय को सूझ सुविधा दिवे मन है ना तरपे आपनी वेट करते पारे। तानिशा सुलताना कमेंट कर प्लिज हेल्प भैया बांग्लादेश एयरपोर्टे कि ओपेन थाकबे लकडाउने कि बाहर देश थेके आसते पारबे ना। तानिशा आपनाके बोलछी विभिन्न देश थेके जखन बांग्लादेशीदेर प्रवेश निषेधाज्ञा और विमान चलाचलेर बंध घोषणा करा हय तखन बांग्लादेशो करोना संक्रमण ठेकाते विभिन्न देशेर साथे आंतर्जातिक फ्लाइट बंध घोषणा करा हय। आपनार फैमिली मेम्बर जदि ओई देशगुलोर एकटी थेके आसते चान ताहले पारबेन ना आर जदि आसेन ताहले 14 दिन कोरेंटाइने थाकते हबे। आमी मने करि एखन बर्तमान परिस्थितिते ना आसाई सबचेये बेशी बेटार। बाप्पी दास कमेंट कर भाई विजिट वीसा खोलार कोनो चान्स आछे बांग्लादेशीर जोन्नो। बाप्पी दास दादा के बोलछि विजिट वीसा डिपेंड करे बर्तमान करोना परिस्थितिर उपर परिस्थिति स्वाभाविक होवार पर एवं परवर्ती घोषणा देवार पर वीसा ओ फ्लाइटेर कार्यक्रम शुरू होबे। तो सबसक्राइब करे आमादेर साथे थाकुन परवर्ती आपडेट पावा मात्रई आपनादेर साथे शेयर करब इनशाल्लाह। आली हुसैन भाई प्रश्न कर भाई वैक्सीन छाड़ा कि सऊदीते जावा जाबे किना। भाई वैक्सीन छाड़ा कोनो देशे प्रवासीदेर प्रवेश करते दिबे ना जदिओ कोनो कोनो देशे एक डोज नेवार पर प्रवेश करते पारबे एवं द्वितीय डोज से देशे गिये ग्रहण करते हबे। एम डी आजाद भाई प्रश्न कर आमी दुबई प्रवासी आमार इमारत एयरलाइन्सेर रिटार्न टिकेट करा आछे आमी किभाबे रेजिस्ट्रेशन करब कोथाय वैक्सीन पाब किछुई तो बुझतेछि ना। आजाद भाई आपनर जदि बीएमईडी कार्ड थाके एवं मेयाद थाकते होबे ताहले सुरक्षा एपेर माध्यमे आपनी वैक्सीन ग्रहण करते पारबेन आर जदि बीएमईडी कार्ड ना थाके ताहले आपनाके आगे बीएमईडी कार्डेर जन्य रेजिस्ट्रेशन करते होबे तारपर सुरक्षा एपे वैक्सीनेर जन्य निबंधन करते होबे। शाहबुद्दीन भाई प्रश्न करेछेन विमान चालुर आपडेट दिन दुबई इमारत एयरलाइन्सेर। आरब अमिरात 21 जुलाई पर्यंत विमान चलाचले निषेधाज्ञा थाकार परेओ तारा 7 जुलाई फ्लाइट परिचालना करबे बोले प्रस्तुति निच्छिल। बर्तमाने 15 तारीख पर्यंत तादेर विमान चलाचल बंध घोषणा करा हयेछे। अनेकेई तादेर टिकेट बुकिं बा क्रय करे निराश हयेछेन। आमि मने करि आरब अमिरातेर सरकारेर पक्ष थेके कोनो घोषणा ना आसा पर्यंत केउ टिकेट बुकिं बा क्रय करा थेके आपातत बिरत थाकुन। অনেকে জানতে চেয়েছেন এবং বেশিরভাগই যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে ফ্লাইট কবে চালু করা হবে এবং ভিজিট ভিসা কবে চালু করা হবে। আপনারা জানেন বাংলাদেশ সহ বাংলাদেশের আশেপাশের দেশগুলোর করোনার পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং সেই কারণে আরব আমিরাত সরকার তার দেশের নাগরিকদের কয়েকটি দেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে। এমন কঠোর অবস্থায় আরব আমিরাতে ফ্লাইট বা ভিজিট ভিসা চালু ইতিমধ্যেই চালু করা হবে তা আশা করা খুব বোকামি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এবং আরব আমিরাতের পক্ষ থেকে কোনো ঘোষণা না আসা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ও ভিসার কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ইমারত এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে 15 জুলাইয়ের পর থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করবে এবং টিকিট বুকিং এবং ক্রয়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়। আমি মনে করি 15 তারিখের পর ফ্লাইট চালু হলেই কি আর না হলেই কি যদিও করোনার ভ্যাকসিন দুই ডোজ ছাড়া আপনি দুবাই বা আরব আমিরাতে প্রবেশ করতে পারবেন না কারণ করোনার ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট ছাড়া আপনাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবাইকে ধন্যবাদ।